हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जलेबी। जलेबी के लिए मैंने मैदा ले लिया 1 कप, और मैंने रात का भिगो लिया था थोड़ा मैदा, जो खमीरा आटा होता है वो ले लिया है। साथ में थोड़ा सा दही यूज़ करेंगे। ये हमारा खमीरा आटा है, जो खमीरा मैदा, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कोई लम्स ना रहें। आप देख सकते हो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें जो हमारा सूखा मैदा है वो मिक्स करेंगे। ये हमने 1 कप जो मैदा रखा हुआ था उसको मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो हमने कर्ड लिया था वो भी मिक्स कर लेना है। 2 चम्मच मैंने कर्ड लिया है। अगर कर्ड ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो मत लो। इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। ये हमने दही मिक्स कर दिया है। पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप इसको ऐसे मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद इसको ढक के 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। अब हम तब तक के हम लिए चाशनी बना लेते हैं। जब हमने पैन ले लिया, मैं 1 कप शुगर ले रही हूँ, ये मैं रिफाइंड शुगर ले रही हूँ। और अब हम इसमें 1/2 कप वाटर यूज़ करेंगे, और टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसमें जो है इलायची डाल रही हूँ। मैंने 2 इलायची ली है। हमने इसको अच्छे से मिलाते रहना है ताकि जो नीचे ना लगे। इसका उबाल आने तक हमने इसको अच्छे से गर्म करना है। आप देख सकते हो उबाल आ चुका है, और अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी चाशनी जो है बढ़िया सी बन जाए। आप देख सकते हो हमारी चाशनी बन गई है। आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी लग रही है। और अभी आप उसको उंगल के साथ भी चेक कर सकते हो, ये इसकी निशानी है चेक करने की। ये थोड़ी चिपचिप करने लगती है। हमने एक साइड पे पैन पे तेल रख लिया है। ये हमारा जो घोल था, बैटर था, वो बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जलेबी बनाते हैं। इसको हमने एक बार दोबारा अच्छे से फेंट लेना है। मैं ये पॉलीथीन यूज़ कर रही हूँ, इसमें डाल करके जलेबी को जो है बनाऊँगी। ये हमने डाल लिया है, यहाँ से हम कट कर लेंगे। जैसा वीडियो में देख रहे हो, आप भी ऐसे ही जलेबी घर पे बना सकते हो, और एकदम बढ़िया और मस्त सी। अभी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बन रही है। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी नई नई रेसिपी जो है देखने को मिलती रहेंगी। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमने जलेबी को ऐसे बन गई, इसको अब हम चाशनी में डालेंगे, और चाशनी में डुबो के बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारी जलेबी बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी घर पे ज़रूर बनाइएगा।